हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। नवरात्रि पर बनाने के लिए मैं एक स्वीट की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे हम समा के चावल से बनाएंगे। और इसे आप एक बार बना लेंगे तो पूरी नवरात्रि आराम से खा सकेंगे। ऐसे स्वीट्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना, समा के चावल से बनने वाले स्वीट। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने समा के चावल का आटा ले लिया है। यह मैंने एक कटोरी लिया। अगर आपके आस पास आटा नहीं है तो आप समा के चावल को मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर इसका बारीक आटा पीस कर तैयार कर ले। साथ ही में मैंने चीनी ली है, यहाँ पर आधा कप है। जितना हम समा का चावल लेंगे उसे आधा चीनी लेनी है। यहाँ पर यह है पीसी हुई और ग्रैनुअल दोनों मिक्स है। साथ ही में मैंने यहाँ पर एक कटोरी दूध ले लिया है। दूध इतना यूज़ नहीं होगा, इसका आधा ही यूज़ होगा। एक बड़े बर्तन में हम चावल का आटा डाल लेंगे, समा के चावल का आटा डाल लेंगे, जिसे सामकिया भी कहा जाता है या फिर आपकी जगह पर इसे कुछ और भी कहा जा सकता है। और मैंने साथ ही में इसमें चीनी भी डाल दी है। आप चाहे तो पीसी हुई चीनी का यूज़ कर सकते हैं या फिर चीनी के जो दाने आते हैं, चीनी नॉर्मल जो चीनी होती है उसे भी यूज़ किया जा सकता है। दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यह सिर्फ तीन ही चीज़ों से बन जाएगी और फ्राई के लिए घी की ज़रूरत होगी और कुछ नहीं डालना है हमें इसमें। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक सेमी थिक सा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। जैसा चीले का हम बैटर बनाते हैं, कुछ वैसा ही बैटर बनाना है। या फिर आप मालपुए का जैसा बैटर बनाते हैं, उससे हल्का सा गाढ़ा बैटर जो है इसका हमें बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते रहेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसके अंदर गुठलियाँ नहीं पड़ने देनी है। अगर आप थोड़ी सी दाने वाली चीनी इसके अंदर डाल लेंगे तो गुठलियाँ जो है बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी, मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी जो है देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है। हम इसे आधा घंटा के लिए रख देंगे तो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी ये। अब हम इसे ढककर आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे, ताकि चीनी जो है, चीनी के दाने हैं, मेल्ट हो जाएं और जो चावल का आटा है वह भी फूल जाए। ये देखिए, आधा घंटा हो गया है मैंने इसे छोड़े हुए। इसी बीच में मैंने घी को भी गर्म कर लिया है। यहाँ पर मैंने वनस्पति घी का यूज़ किया है। देखिए, एक ड्रॉप डालकर देखते हैं, एकदम से ऊपर नहीं आ रहा है। हमें इतना ही गर्म घी चाहिए। मीडियम घी जो है गर्म होना चाहिए और मीडियम मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे सेकेंगे। एक एक करके हम जैसे पुए बनाते हैं उसी तरीके से सारे जो हैं बनाकर तैयार कर लेंगे। जो हमारी स्वीट्स है उसे बनाकर तैयार कर लेंगे। जो आप पैन यूज़ करें उसे फ्लैट सरफेस वाला यूज़ करें। अगर आप कढ़ाई जैसी होती वैसे यूज़ करेंगे तो पुए का जो शेप है वो अच्छी नहीं आएगी। ये देखिए, मैंने एक बार में तीन से चार जो हैं आराम से बन जाएंगे, बना लिए हैं गोल गोल। अपने आप ये ऑटोमेटिक शेप आ जाती है। बस आपको एक स्पून सेट कर लेनी है, उसे से नीचे बैटर जो है घी के अंदर पोर करते रहे, ये अपने आप फैल कर अपनी शेप ले लेगा। और इसे मीडियम फ्लेम पर मीडियम हॉट ऑयल में ही से जो है आप फ्राई कर लें। जब ये हल्के से ब्राउन होने लग जाए, यानी कि 2 से 3 मिनट हो जाए इसे सिकते हुए, तो पलट दें से। इसे पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। अगर फ्लेम हाई रखेंगे तो ये ऊपर से सिक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा और इसकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी घट जाएगी और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही सेकें। सेकने में थोड़ा सा टाइम जो है ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम इसे मीडियम फ्लेम पर सेक रहे हैं। इसे साइड कर लेते हैं और साथ ही एक और पुआ जो है इसमें बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसे आप जैसे हम मालपुए बनाते हैं उस तरीके से भी बनाकर खाया जा सकता है। जैसे अभी आप प्रोसेसिंग जो हमने की है इतनी कर ले, बाद में थोड़ी स्टिकी सी चाशनी बना ले। कोई तार की नहीं बनानी है, बस थोड़ी स्टिकी सी बनानी है। उसके अंदर पुए को डिप करें 2 से 3 मिनट के लिए और फिर से निकाल कर एज ए समा के चावल का जैसे मालपुआ हो तो उस तरीके से सर्व कर सकते हैं। लेकिन उससे जो इसकी सेल्फ लाइफ है थोड़ी सी कम हो जाएगी। इस तरीके से खाने से आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं या फिर एज ए स्नैक्स या फिर जो भी आप फ्लावर कर रहे हैं उसमें इसे ले सकते हैं। देखिए, एक एक करके हम जो सारे हमने जो ये बनाए हैं बिस्किट टाइप या फिर पुआ के स्टाइल में जो बनाया है उसे बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके 7 to 10 days के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। बस इसे एयर टाइट कंटेनर में रखें या फिर चाशनी में डिप करके भी इसे खा सकते हैं। देखिए, हमारे जो पुए थे या फिर बिना चाशनी वाले जो पुए थे बनकर तैयार हैं। इसी तरीके से हम बाकी सारे पुए भी बनाकर तैयार कर लेंगे। 1 कप समा के चावल के आटे से आप 10 से 12 जो पुए हैं बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी इस नवरात्रि इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, झटपट से बन जाते हैं और एक बार बनाकर काफ़ी लंबे टाइम तक इसे खाया जा सकता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।